गुरु पूर्णिमा के सुअवसर पर जो मेरे प्यारे श्रील गुरुदेव ने कहा उसका सार ये है। गुरुदेव बोले कि ये जो गुरु पूर्णिमा है, ये जो गुरु पूर्णिमा गुरुदेव को विशेष रूप से धन्यवाद देने की पूर्णिमा है। मतलब विशेष रूप से धन्यवाद, विशेष रूप से शुक्रिया। क्यों? क्योंकि ये एक मौका है जो हमें चिंतन का अवसर प्रदान करता है गुरु तत्व के बारे में, जिसको जाने बगैर, जिसमें प्रवेश किए बगैर, जिसमें अगाध श्रद्धा किए बगैर हमारा कोई भी भक्ति प्रयास सब विफल है, अधूरा छोड़िए विफल है। इतनी बड़ी बात बोल दी। बोले कैसे? कहने लगे ये हम नहीं कह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा ये श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण परम तत्व हैं, पर ब्रह्म हैं। ब्रह्म भी नहीं है, पर ब्रह्म है, यानी कि भगवान है, यानी कि जिनसे ब्रह्म की उत्पत्ति होती है और जिनकी वजह से परमात्मा है, वही उनका आधार, उनका आश्रय तत्व भगवान श्री कृष्ण है। तो वो भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से कह रहे हैं इतनी बड़ी बात। क्या कह रहे हैं? निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वता ईरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। गुरुदेव बोल रहे हैं कि देखिए हमें क्या मिला? नर देह मिला है ना। पशु पक्षी का देह भी तो मिल सकता था, कोई स्थावर योनि भी तो मिल सकती थी, पेड़ पौधे वगैरह ये सब कभी इंसान रह चुके हैं और अपने कर्तव्य को निभाया नहीं भगवान की तरफ, तो 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अब स्थावर योनि को प्राप्त किए हैं। लेकिन भगवान की असीम कृपा से निर्देह मिला, निर्देह आद्यम। ये निर्देह मिला क्यों? निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। भगवान कह रहे हैं ये नरदेह सुलभ हो गया आपको, सुलभ। मजे की बात यह कि जो चीज सुलभ होती है उसकी हम कोई कीमत नहीं जानते। जैसे सूरज हमें सुलभ है, सूरज की रोशनी सुलभ है। दिवाली के दिए अगर कहीं टिमटिमाते हैं, अमावस्या की रात होती है और चंद्रमा भी नहीं निकला होता है, दो चार थोड़ा अच्छे से प्रकाश वाले वो ट्यूब्स लाइट्स और रंग बिरंगी चमकीली से रोशनी वाली चीजें लड़ियां लगा दी तो हम तारीफें करने लगते हैं, वाह कितनी अच्छी है, क्या बढ़िया चीजें हैं, करने लगते हैं ना तारीफें। लेकिन वही भगवान ने सूरज हमारे लिए प्रकट कर रखा है, चंद्रमा तारे ग्रह नक्षत्र सब प्रकट कर रखे हैं। सूरज जो आलोकित कर देता है सब कुछ, टाइम पे आता है, टाइम पे जाते हैं, उन्हें लाने के लिए आपको कोई मार्केट नहीं जाना पड़ता खरीदने के लिए, क्योंकि सुलभ है इसलिए कीमत नहीं है। परम आश्चर्यमय चीज हो रही है, परम आश्चर्यमय चीज है ये, लेकिन कीमत नहीं है क्योंकि स्वाभाविक है और सहज लभ्य है, इसलिए उसकी कीमत नहीं है। कितनी बड़ी बात है। ऐसे निर्देह सुलभ है मगर हमारे लिए उसकी कीमत नहीं है। हमने नहीं सोचा कि ये बाकी है जो कुत्ते बिल्ली ये बेचारे, ये जो गाय वाय, ये जो बैल वैल, ये जो घोड़े वगैरह, इनके मुंह से झाग निकल जाता है परिश्रम करते करते, इनके ऊपर आदमी बंधे हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्या हालत होती है बोझ उठाते समय, है ना। हमको इतना कुछ दे दिया भगवान ने, इतनी बड़ी चीज, कोई कदर नहीं है, कोई थैंक यू नहीं है, कोई शुक्रिया नहीं है। निर्देहम आद्यम सुलभम, भगवान ने खुद कहा सुदुर्लभम, सुदुर्लभ है, मगर सुलभ तो है, मिल गया है, मगर बहुत मुश्किल है इस निर्देह को दोबारा पाना। और ये कॉम्बिनेशन मैं बार बार बोलती हूं कि भारत भूमि में जन्म लेना, हिंदू धर्म, आर्य धर्म, सनातन धर्म में जन्मना। सनातन धर्म का मतलब है जो था, है और रहेगा, काल के प्रभाव से संकुचित हो सकता है या वृद्धि को प्राप्त हो सकता है, लेकिन लोप नहीं हो सकता सनातन धर्म का, जैसे अन्य धर्मों का लोप हो जाता है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म उसमें जन्म होना, गीता भागवत जैसे
रसमय ग्रंथों का साथ होना और भगवान की कृपा से महत संग होना, भक्तों का संग होना, धाम, भारत भूमि, तीर्थों का होना, भगवान के चरण रज का उपलब्ध होना इस भारत भूमि पर, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। ये फिर से सुदुर्लभम है, नरदे दुर्लभ और ये कॉम्बिनेशन सुदुर्लभ, ये दोनों ही दुर्लभ है, मगर सहज लभ्य है, इसलिए कोई चिंतन नहीं कर रहे। उम्र निकले जा रही है, खाते हैं पीते हैं, शाम हो जाती रात हो जाती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि सुलभम सुदुर्लभम निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम। और नरदेह क्या है? एक नौका के समान है, पर कोई भी नौका बिना नाविक के चल नहीं सकती। नौका किनारे खड़ी है, आपको पार जाना है, नौका आपके पास है, चलाना आपको आता नहीं, आपको दिशा ज्ञान है नहीं, आपको पता नहीं है जहां आपको जाना है, कैसे जाना है, कुछ भी नहीं है, आपको कुछ नहीं पता, आपको नहीं पता रास्ते में कितने खतरे आने वाले हैं, इन खतरों से कैसे बचना है, पार होना है समुद्र से, समुद्र से पार होना नौका है, समुद्र से पार होना नौका है। अगर हम एक दुनियावी समुद्र की बात करें तो उस दुनियावी समुद्र से पार होने के लिए भी हमें प्रशिक्षित कैप्टन्स की जरूरत होती है, बड़े बड़े शिप्स में प्रशिक्षित, वेल ट्रेन्ड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड, तब उसके हाथ में एक शिप को सौंपा जाता है कि ये बचा के ले जाएंगे पार। लेकिन हमें होना है भवसागर पार, भवसागर से पार होना है। इस भवसागर का कोई ओर छोड़ नहीं है, 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, चक्रव्यूह की तरह है सारा कुछ। लेकिन इस चक्रव्यूह में घुस तो हम गए हैं, निकलने का उपाय हमारे पास नहीं है। तो बोले कि नौका आपके पास है, भवसागर भी है, मगर आपको कैप्टन चाहिए जो आपको भी जानता है कि आप कौन है, जो ये भी जानता है कि पार उतरने का मतलब क्या है, पार होना किसे कहते हैं, और जो ये भी जानता है कि ये भवसागर किस प्रकार विस्तीर्ण है और किस प्रकार इसके अंदर अनेक कामनाओं वासनाओं के मगरमच्छ भी दौड़ रहे हैं जो कब लील जाएं, वो सब चीजों से वाकिफ है, वो रिस्क से वाकिफ है, वो सब कुछ जानता है। तो वो जो कैप्टन है आपके इस शरीर रूपी तरणी का, वो है गुरु। गुरु ही कैप्टन है, गुरु ही कंडारी है। तो बोला प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। मैं नहीं कह रही हूं अपनी महिमा बखान के लिए, बाबा नहीं कह रहे अपनी महिमा बखान के लिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में गुरु कर्ण धारम। गुरु को बोल दिया कर्णधार, खुद को भी तो बोल सकते हो, भगवान से बड़े कोई गुरु हो गए क्या? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, जो गोविंद दियो बताए। जब बताई दिया कि कहां रहते हैं, जब साध्य बता दिया कि प्रेम साध्य है, गोविंद की सेवा साध्य है, और रास्ता भी बता दिया ऐसे करके चलना है, तो फिर बचा क्या? कुछ तो बचा ही नहीं, मुंह उधर कर दिया, हरी कथा सुना सुना के श्रवण करा करा करके मुंह उस तरफ हो गई, चित्त वृत्ति उधर हो गई, इंद्रियों की वृत्ति उधर हो गई, लक्ष्य उधर हो गया, अभीष्ट वो है समझ आ गया, अब क्या बचा? अब अपनी मेहनत बची है ना, साधन उस पे तो हमें, वो तो हमें करना है। तो भगवान कहते हैं गुरु कर्ण धारम, गुरु इस शरीर रूपी नौका को पार लगाते हैं। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, फिर मया नभस्वता ईरितम, है ना, मयानुकूलेन नभस्वता ईरितम। भगवान ने कहा जब कोई सदगुरु के चरणों का आश्रय ले लेता है तो फिर जैसे हवा अगर नौका को आगे ठेलती रहे तो कैप्टन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, खट से पार उतर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मयानुकूलेन नभस्वता ईरितम, तब मेरे अनुकूल जो मुझ तक पहुंचा दे ऐसी हवा मैं ही बहा देता हूं,
वो नैया को जोर लगानी शुरू कर देती है और अपने से आपका भवसागर पार हो जाता है। ये भगवान कह रहे मैं बात है तो मया अनुकूल है ना बस बताई रही तुम। बड़े ध्यान से सुन लो ये बात, मया अनुकूल है ना बस बताई रही तुम। ये हवा कोई बहा नहीं सकता। बड़े बड़े संसार सागर में छोटी सी नैया लेके निकलोगे तो कोई जरूरी नहीं है वापस आ सको। लेकिन वहीं पर अगर जाना पहचाना व्यक्ति एक शिप को लेके निकलता है अच्छे तरीके से, तो कई बार कई चक्कर लगाता है, कई सामान इधर से उधर ले जाता है, समुद्र नहीं हो तो रास्ता ही हो गया, आप तो जानते हो, है ना, क्योंकि जानता है। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं मयानुकूल है न भस्वता ईरिदम, जिसने गुरुदेव का आश्रय कर लिया फिर उसको कोई चिंता नहीं करनी। क्या होगा फिर, ये हवा उसे ठेलेगी और वो पार पहुंच जाएगा। इतनी बड़ी बात, मतलब पद आश्रय का ही इतनी महिमा है, पद आश्रय का ही इतनी महिमा है। फिर बोलते हैं पुमान भवाब्धिम न तरेत सा आत्मा। भैया तुमको ये बता दिया कि तुम्हारी ये शरीर एक नौका है, हमने इस शरीर से क्या करना है, हम इस शरीर से क्या कर रहे हैं, मगर अभी ये शरीर तो नौका है पार जाने के लिए, निर्देह हम कुत्ते बिल्लियों वाले भोग कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम चा, ये चार आइटम पशु करते हैं वही हम कर रहे हैं निर्देह को पा करके, ये शर्म की बात है। मात्र इसमें लिप्त हो गए, जीने के लिए आहार नहीं खा रहे, भगवत प्रसाद के रूप में आहार नहीं ले रहे, आहार निद्रा, नींद में भी ठाकुर जी के स्वप्न देखे हैं ये हमारा चिंतन नहीं होता, नींद ले रहे अपने सुख के लिए, आहार निद्रा भय, भय तो भैया भय से तो संसार सागर भरा पड़ा है। ये षड रिपु जो है हमारे काम वासनाएं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनका भय, इनकी वजह से संसार भय, इनकी वजह से भूख प्यास, ये सब चीजें, इनकी वजह से त्रिताप, ये तीन ताप, अधि भौतिक अधि दैविक आध्यात्मिक ताप, ये रोग शोक जरा व्याधि, ये सारी चीजें, ये भय हैं, और इनसे रक्षा पाने के लिए आदमी यहां से वहां भटक रहा है, ये कर वो कर तो रक्षा मिलेगी, वो कर तो रक्षा मिलेगी, वो कर, रक्षा है नहीं, रक्षा है नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस शरीर से लेकर के प्लेजर ले रहा है, मजे ले रहा है, पशु पक्षियों की तरह जो वो लोग मजे लेते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, उनके उनका शरीर जो है वो तरणी नहीं है, उन्हें गुरु प्राप्ति नहीं हो सकती, वो सदगुरु का आश्रय नहीं ले सकते, वो श्रवण नहीं कर सकते, वो कीर्तन नहीं कर सकते, वो स्मरण नहीं कर सकते, वो वंदन अर्चन कुछ नहीं कर सकते। तो उनकी बात समझ आती है कि अगर वो खाते हैं पीते हैं सोते हैं मैथुन करते हैं तो इट्स नेचुरल फॉर देम, इवन इट इज नेचुरल फॉर अस, लेकिन उसके लिए ही हम जी रहे हैं। पूरी सभ्यता आप देख लो, अपने जीवन को देख लो, लोगों के जीवन को देख लो, हमारे जीवन को, हमारी शुरुआत ही ऐसी हुई थी, इसमें मेरे एक्सपीरियंसेस भी बोल रहे हैं, शुरुआत ही ऐसी हुई थी बचपन में, माँ बाप ने बोला पढ़ाई लक्ष्य है, किसी ने तो नहीं बताया निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, तेरा ये लक्ष्य नहीं है, संसार सागर से उतर के पार जाना है, उसके लिए संसार ये तरणी मिली हुई है, कल को नहीं रहेगी, ढलमल है, कमल पत्र पे जैसे बूंद ढलमल हो जाती है ना, यूं करके देखिए कमल पत्र पे एक बूंद डालिए पानी की, ऐसे ढलमल होगी, खट से नीचे उतर जाती है, ऐसे जीवन हमारा ढलमल है। हमें तो नहीं बताया था, हमने कहा पढ़ाई लिखाई, अच्छा ये तो हो गया पढ़ाई लिखाई, अब बताया सेकंड, अभी अच्छा कॉलेज पाना वो तेरा उद्देश्य है, चलो भाग दौड़ मचाई वहां वो भी हो गया, अब अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करना ये तेरा उद्देश्य है वो भी कर लिया, अच्छी कमाई कर अच्छे कमाई किया, अच्छा पति मिले अच्छा पति मिला, अच्छे बच्चे हो जाए बच्चे भी अच्छे हो गए, अभी क्या अभी ने बड़ा कर इनकी शादी कर, मैंने कहा नहीं तुम मेरा उद्देश्य कहाँ गया, आप तो कह रहे मेरा सेटलमेंट, बोले नहीं इनको इनकी शादी करो फिर इनके बच्चों को खिलाओ, फिर क्या फिर मर जाओ, फिर आगे का हमें नहीं पता, ऐसे हमारे बाबा ने किया ऐसे दादा ने किया ऐसे सबने किया, तुम्हें वही जीवन जो है सफल है जो ऐसे चलेगा वही जीवन है सफल है। किसी ने भागवत का ये संदेश तो नहीं बताया था, निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम, प्लवम सुकल्पम नाव है, गुरु कर्णधारम गुरु जी कैप्टन होंगे, गुरु ढूंढ गुरु का संधान करो,
भगवान से याचना करो सदगुरु मिले, रो ठाकुर जी के चरण पकड़ पकड़ करके, ठाकुर कौन? ये तो वही बता सकता है जो जानता है। ठाकुर कौन? मम्मी पापा ने नहीं बताया, स्कूल गए शिक्षा लेने के लिए, बेस्ट शिक्षा यही थी कि ये बता दो हमारा बॉडी किस लिए बना है सर, बॉडी बना कमाई करने के लिए, तू MBA बन, तू डॉक्टर बन, तू ये बन वो बन। नहीं सर, ये यहाँ तो कृष्ण जी कुछ और बोल रहे हैं, लवम सुकल्पम गुरु गण धारम सर बोला उन्होंने तो, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये उनके लिए भी एक समाचार होगा, स्कूलों के लिए, कॉलेजेस के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए, ये एक समाचार है, एक न्यूज है कि हमारी बॉडी एक नाव है। तो हम इस नाव में क्या कर रहे हैं? इस नाव में हम पिकनिक मना रहे हैं, नाव में बैठ करके, और नाव ये भी किनारे पर ही खड़ी है, डूबू खा पिकनिक मना रहे, उतर के भवसागर पार करानी थी इस नाव को, अचानक की टाइम अप, नाव जीर्ण शीर्ण हुई, नाव खत्म, और उसके बाद उसी भवसागर में कभी कुत्ते बिल्ली के रूप में, तो कभी पेड़ पौधे के योनी के रूप में, तो कभी कीड़े मकोड़े के योनी के रूप में बिल 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 कर रहे हैं, 84 लाख योनियों में हम बिल 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 कर रहे हैं। तो जब हम इतना बिल 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 कर रहे हैं, तो अभी जो मिला हुआ है उसकी कदर नहीं कर रहे, क्योंकि सहज उपलब्ध है, सहज उपलब्ध है, इसलिए उसकी कदर नहीं हो रही। क्या सहज उपलब्ध है? यही निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। तो गुरु कर्ण धारम, गुरु पार ले जाते हैं, गुरु बताते हैं कि प्रेम ही प्रयोजन है, एकमात्र पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ यानी पुरुष यानी व्यक्ति जिसके लिए जीता है, प्रेम, प्रेम माने भगवत प्रेम। कैसे आएगा, कैसे आएगा भगवत प्रेम? जब हम जानेंगे कि भगवान कौन, जब हम जानेंगे कि उसे पाने के साधन क्या, और जो हमें बताएगा उसमें होगी हमारी जब असीम 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 श्रद्धा प्रेम, तब तब ही जब पूरा ये एकदम ब्लाइंड फेथ होगा तो आगे बढ़ सकता है आदमी। ब्लाइंड फेथ, गुरु कर्ण धारम। फिर बोल रहे हैं जो ये जानकर भी नहीं तरता, बुमान भवाब्धिम, भवाब्धिम माने भव रूपी सागर, भव सागर से जो तैरता नहीं ये जानकर भी, वो आत्महत्यारा है। आत्महत्या करने के लिए 10 माले से कूदने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही कर लो आपने आत्महत्या कर दी, आत्मा का हत्यारा है, उसने आत्मा को मार दिया। आत्मा भगवान का सच्चिदानंद अंश है, आत्मा आनंद खोजता है, आनंद अपने सुख में नहीं है, जब तक हम अपने सुख के लिए मरेंगे आनंद नहीं मिलेगा, आनंद भगवान है, आनंद भगवान में है, आनंद उसकी सेवा में है, और हमारी ब्रज भक्ति में तो सिर्फ कृष्ण सुख एक तात्पर्यमयी सेवा ही आनंद का एकमात्र मूल स्रोत है। जैसे वृंदावन की भक्ति में, ब्रज भक्ति में गैया कृष्ण के आनंद के लिए जीती है, मैया कृष्ण के आनंद के लिए जीती हैं, गोपियां कृष्ण के आनंद के लिए जीते हैं, सखा कृष्ण के आनंद के लिए जीते हैं, गोप कृष्ण के आनंद के लिए जीते हैं, ऐसे ही जब तक साधक कृष्ण के आनंद के को अपना जीवातु नहीं बना लेगा, प्राण नहीं बना लेगा, तब तक वो कभी भी कोई आनंद की उपलब्धि नहीं कर पाएगा। और आनंद वही है रसो वैसा, वो रस है, उसे प्राप्त करके ही जीव आनंदित हो सकता है। ये समाचार गुरुदेव देते हैं। गौतमीय तंत्र में एक बहुत सुंदर श्लोक है जहां बोला, अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि मेरी आंखें अज्ञान रूपी अंधेरे से युक्त थी, मैं अंधा था। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप तो अंधे ही हो, आपको ये ज्ञान ही कुछ भी ज्ञान नहीं है तो वो तो अंधा है, वो देख ही नहीं सकता, ज्ञान रहित क्या देखेगा? एक छोटा सा शिशु उसकी आंखें हैं मगर उसे तो ज्ञान तो कुछ भी नहीं, हो क्या देखेगा? उसका देखना क्या देखना बताइए, ज्ञान तो है ही नहीं। तो जो ज्ञान है दुनियावी क्षेत्र में भी ले लीजिए, तो वो देख पाएगा ये रूप है, ये रंग है, ये ऐसी छटाएं हैं, ये ऐसी छटाएं, ये कुदरत का नजारा है, ये है वो है वो है ये है, लेकिन ये नजारा आया कहां से, ये लाया कौन, ये नजारा बनाया किसने, ये इतना रेगुलेटेड लाइफ कैसे दे दिया भगवान ने प्रकृति में, ये प्रकृति क्या है? भगवान ने बोला मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, वो भगवान नहीं है मैं भगवान हूं, न्यूज दे दी भगवान ने गीता में, लेकिन हमें तो नहीं पता।
तो अज्ञान तिम्रांधस्य, मुझे ये तक नहीं पता था मैं आत्मा हूं, मुझे बताया भाई ये तुम तो पार्वती राठौर हो, तुम्हारी मम्मी ने नाम रख दिया, हु आर यू, आई एम पार्वती राठौर, बट आई एम नॉट पार्वती राठौर, दैट इज अ नेम गिवन टू माई बॉडी बाय माई पेरेंट्स, आई एम नॉट पार्वती राठौर और यू आर नॉट मोहित और यू आर नॉट ममता, हम नहीं है वो, ये तो नाम है बॉडी को, इस बॉडी से इस बॉडी को अलग करने के लिए, इस बॉडी से इस बॉडी को अलग करने के लिए मैंने नाम रख दिया, आपका नाम ये मदन मोहन, ये माता जी का नाम कोई, नहीं तो और क्या है, और तो कुछ नहीं है, मगर नाम व्यक्ति नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नाम ही भगवान है, नाम ही भगवान है, नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है आध्यात्मिक जगत में, यहां नाम और नामी फर्क है, पानी का नाम और पानी अलग चीज है, भगवान का नाम और भगवान वहां एक है, एक है, भगवान का अर्चन पूजन वंदन करने के लिए देश काल पात्र शुद्धि अशुद्धि सब देखनी पड़ती है, कृष्ण नाम लेने के लिए कुछ नहीं देखना पड़ता, ये उनकी असीम कृपा है हम जैसे कलिहत जीवों पर, पर इस नाम का परिचय देगा कौन, कौन देगा इस नाम का परिचय कि वो नाम है कौन सा, किसने दिया वो नाम, वो हरे कृष्ण महामंत्र भगवान ने दिया, लेकिन भगवान ने दिया पर मेरा तो अज्ञान तिम्रांधस्य है, भगवान ने तो दे दिया, मैं तो अज्ञान के तिमिर का मारा हुआ हूं, मेरी आंखों में रोशनी नहीं, दिव्य चक्षु नहीं, मैं भगवान को समझ नहीं सकता मेरी जड़ इंद्रियों से, अज्ञान तिम्रांधस्य से ज्ञान अंजन चला गया, तो गुरुदेव आए मेरे जीवन में कृपा करके, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, निर्देह दे दिया, गुरुदेव दे दिए, तो उन्होंने क्या किया, जैसे पहले आई ड्रॉप्स, जैसे अभी आई ड्रॉप्स होती हैं, पहले जो वैद्य थे वो काजल लगाते थे आंखों में, काजल औषधि वाला काजल लगा के आंखें ठीक कर देते थे, है ना, और किससे लगाते थे, शलाका से, एक छोटी सी गोल्ड की बनी होती थी उससे लगाते थे, तो इसीलिए गौतमीय तंत्र में बोला गया कि ज्ञानंजन शला गया, ज्ञान का अंजन गुरु ने कृपा रूपी शलाका से लगा दिया मेरी आंखों में, क्या दिखने लगा, अब सब दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दुनिया दिख रही है, दुनिया के लोगों की प्रकृति दिख रही है, दुनिया में कलेश हैं पांच प्रकार के, वो दिखने लग गए, भैया ये तो कलेश रहेंगे ही, इन्हीं कलेशों में के बीच में भजन करना होगा, डोंट वेट फॉर कलेश टू बी ओवर बिकॉज इट विल नेवर बी ओवर, तो इसके तो गुरुदेव ने दे दिया ज्ञानंजन शला क्या, चक्षुरून मिलितम जेन तस्मय श्री गुरुवे नमः, है ना, आंखें दे दी, अब ये आंखें जो दुनिया नहीं देख पाती थी, अब वो आंखें राधा श्याम सुंदर की लीलाओं का दर्शन करने लगी, कुंज निकुंजों का दर्शन करने लगी, प्रिया जी के चरण दिखने लगे, प्रियतम के का वपू दिखने लगा, प्रिया प्रियतम के समस्त लीलाएं जो है, समस्त मणिमय कुंज इन आंखों में दिखने लग गए, ये कहां से उठा के गुरुदेव कहां उठा के ले आए, कहां से, कीड़े मकोड़ों से भी बदतर जिंदगी किसने संधान दिया, ये कि हमें क्या करना है, ये हमारे गुरुदेव ने संधान दिया, है ना, ये गुरुदेव ने संधान दिया, तो अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरून मिलितम जेन तस्मय श्री गुरुवे नमः, बिना महत संघ के, मतलब निमि महाराज निमि है, उन्होंने कुछ ऋषियों को अपने घर बुलाया, अपने यहाँ पर आए, मतलब निमि के यहाँ, उन पर कृपा करने के लिए, क्योंकि ऋषियों का ये स्वभाव होता है महत लोगों का कि वो कृपा करने के लिए कई बार किसी के घर में पहुंच जाते हैं, तो उनके महल में भी पधारे, तो महाराज निमि जो स्वयं एक बड़े प्यारे व्यक्ति हैं, उन्होंने उनसे कहा कि ये बताइए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, एक मरणशील व्यक्ति के लिए जीवन का लक्ष्य क्या है, तो गुरुदेव कहते हैं देखो जीवन का लक्ष्य तो ऐसे लोगों ने बहुत कुछ मान रखा है, विषयासक्त बुद्धि विषयों को ही तो लक्ष्य मान के चलती है, ये ले आऊं, पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट का रिवाज था तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ले आऊं, कलर आया तो सब भाग रहे हैं कलर लेने के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, अरे मेरे घर तो कलर टीवी है, आज LCD आया, फिर होम थिएटर आया, अभी पता नहीं छत थिएटर आएगा, पता नहीं क्या आएगा, है ना, जाने क्या क्या आएगा, ये सारी चीजें उनके लिए पीछे विषय आसक्त बुद्धि, तो वो क्या जानेगा, तो गुरुदेव कह रहे हैं भैया ये जो महत है ना ये बड़े कृपालु होते हैं, अगर किसी को महत संग मिल गया कृष्ण कृपा से तो ये महत संग इंसान के अंदर ऐसा संस्कार डाल देता है कि अगर उसकी मृत्यु हो गई भजन नहीं भी कर पाया तो उसने सत्संग किया था
वो सत्संग अगले जन्म में भी उस जीवात्मा को भगवान की तरफ धकेल देगा। इस जन्म में किया गया सत्संग भी बेकार नहीं जाएगा आपका, अगले जन्म में भी रक्षा होगी। गुरु को क्या बोला गया, आज दो बातें पता चली, गुरु रक्षक हैं हमारे, रक्ष्यति गुरु, रक्षा है, रक्षा करते हैं, इसलिए वो गुरु हैं। किस चीज से रक्षा करते हैं? अज्ञान से। किस चीज से रक्षा करते हैं? भवसागर में गिरने से। किस चीज से रक्षा करते हैं हमारी कि हम कामनाओं वासनाओं के चक्कर में, दुरु चक्कर में ना फंस जाएं, विषयों में ना फंस जाएं, साधन पथ पर, जो खुद साधन पर साधन करता है और दूसरों को साधन करने के लिए प्रेरित करता है वही साधु है। साधु की यही परिभाषा है, साधन जो करे और कराए। वेश से ही कोई साधु नहीं होता, करने और कराने वाला ही साधु होता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति में श्रद्धा आ जाती है तो वो कैसे आती है, सत्संग से ही श्रद्धा आती है। तो उस श्रद्धा का लक्षण क्या होता है, सत्संग कर लिया, श्रद्धा आई भगवान में, तो लक्षण ये हुआ कि श्रद्धा माने सुदृढ़ विश्वास। किस चीज में? कि कृष्ण भक्ति करने से सर्व कर्म कृत होए, सारे कर्म मेरे निपट गए, बच्चे की शादी, बच्ची की शादी, इसका वो, उसका वो, ये कर्म निपट गए। अगर मान लो मैं नहीं कर पाता, कृष्ण प्रेम में पागल हो गया, तो बोलते हैं कि कोई पाप नहीं लगेगा फिर आपको, पाप नहीं लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्ति कोई ले सर्व कर्म कृत होए, सारे कर्मों से निपट गए हम। अगर इंसान कृष्ण भक्ति में ऐसा दीवाना हो गया कि छूट ही गया उससे सब कुछ, मान लो, तो पाप इसका दोष नहीं लगता, है ना, सर्व कर्म कृत होए। या मेरे को पितरों की पूजा करनी पड़ेगी, नॉट नेसेसरी, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, नॉट नेसेसरी। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, सिर्फ कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी, उसी में सारे काम हो जाएंगे। तो बोला गया कि अच्छा, गुरुदेव बोलने लगे, देखो लोगों के ना दो मार्ग होते हैं, एक श्रेय और एक प्रेय। श्रेय और प्रेय माने, एक श्रेय मार्ग जो कि दुनिया सोचती है वो क्या होती है, वो सोचते हैं, प्रेय मार्ग वाले सोचते हैं कि संसार सुख भोग लूं, बस इसीलिए शरीर मिला है, भोग लो जितना भोग लो। 99.9% ऐसे ही है, भोगना चाहते हैं हर कोई। तो ये प्रेय मार्ग वाले 84 लाख योनियों में जाते हैं, और दूसरा कल्याण का रास्ता जो कि असल कल्याण का रास्ता है, जो मंगलमय है, वो है श्रेय रास्ता, कृष्ण का भजन, कृष्ण का आनंद और साधन भक्ति, यही सब कुछ है। इससे क्या होगा, आत्यंतिक मंगल होगा। आत्यंतिक मंगल का अर्थ क्या होता है, सदा सर्वदा के लिए मंगल, मतलब कोई चीज अमंगल रहेगी नहीं आपके लिए, हमेशा के लिए मंगल। भक्ति का जो सबसे बड़ा गुण है, एक तो ये कि आपका अमंगल दूर करता है, क्लेश दूर करता है, क्लेश अग्नि, क्लेश को दूर करेगा, अमंगल को दूर करेगा, आपके घर में शुभ आएगा, शुभत्व आएगा, भजन करने लगी आपके घर में शुभ ही शुभ होने लगेगा, कुछ अशुभ नहीं है, कुछ अशुभ नहीं है, है ना। अगर हमारे अंदर, हमने कोई अपराध किया है, हमारे अंदर अश्रद्धा है, तब हमारा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी भक्ति उसे को भी पार देती है, भक्ति में बहुत शक्ति। तो फिर राजा ने बताया, राजा निमी को जो है योगेंद्र बता रहे हैं कि देखो, कृष्ण भगवान की उपासना से ही सब अमंगल दूर होते हैं, और हर मरणशील व्यक्ति का एकमात्र कर्तव्य है भगवान कृष्ण की आराधना, उनकी उपासना, है ना। कैसे उपासना, कैसी उपासना, ये श्रवण कीर्तन नवधा भक्ति, 9 अंग जो है भक्ति के, उनका पालन करते हुए भगवान का आराधना, कृष्ण आराधना। कृष्ण आराधना करने से सर्व कर्म कृत होए, सारे कर्मों का जो है मतलब अवसान हो जाता है, कुछ अलग से करना नहीं पड़ता है। ऐसी ये जोरदार चीज है कृष्ण आराधना, तो वही असली श्रेय का मार्ग है, असल श्रेय का मार्ग वही है, है ना, पूर्ण भक्ति वही है कृष्ण आराधना। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि देखो, उसमें भी अगर कोई श्रीमद श्रवण में भी क्या, श्रीमद भागवतम श्रवण है, श्रीमद भागवतम श्रवण करने का अगर किसी की इच्छा मात्र है कि मेरे को भागवत सुननी है ना, और किससे सुननी है, गुरुदेव कहते हैं संप्रदाय के व्यक्ति से सुननी है। निष्ठा कैसी होनी चाहिए, निष्ठा माने, निष्ठा का मतलब क्या है, निष्ठा का मतलब है भगवान में निष्ठा, गुरुदेव में निष्ठा, संप्रदाय में निष्ठा, राधा रानी में निष्ठा, श्याम सुंदर में निष्ठा, निदाई में निष्ठा, गौर में निष्ठा,
धाम में निष्ठा, तत्वों में निष्ठा, शास्त्रों में निष्ठा, ये है निष्ठा का मतलब। ये निष्ठा हमारे अंदर उदित हो, इसके लिए क्या है सबसे पहले जरूरी अंग, सबसे पहले जरूरी है श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, साधु संग में भी गुरु पद आश्रय, उसके बाद भजन, उसके बाद अनर्थों से निवृत्ति। भजन करेंगे तो अनर्थ से निवृत्ति, तब आएगी ये निष्ठा, जिस निष्ठा की का जिक्र हमने किया। तो बताया क्या, कृष्ण भजन ही एकमात्र उपाय है श्रेय मार्ग का, असल चीज आज ये बताया है ना। और वो उसके लिए जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है महत संग, सत्संग। सत्संग ही परिवर्तन लाते हैं, सत्संग से ही सब कुछ होता है। सत्संग को कभी नहीं छोड़ा जा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जा सकता, कभी भी नहीं। तो हम लोगों के लिए, गौड़ीय वैष्णवों के लिए श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीन सबसे प्रधान अंग है। लेकिन हम लोग अर्चन भी करते हैं दीक्षित लोग, तो वो भी करना होता है। तो ये सारे अंगों में श्रद्धा तभी आती है जब हम सत्संग करते। जय जय श्री राधे श्याम।